अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारी सातवीं सहरी है और सातवीं सहरी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अच्छा, आज मैं अफ्तारी में निहारी बनाऊंगी, तो वो निहारी जो है वो मैं सहरी में ही आज चढ़ा दूंगी ना। जब तक सुबह फजर तक हम लोग जागेंगे ना, तो ही मेरी निहारी हाफ डन हो जाएगी, तो हाफ सुबह उठ के ठीक है। मैंने निहारी के लिए प्याज डाल करने के लिए रखी है, ठीक है। और एक चीज़ें तो ये बन रहा है, और अशर बहुत तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ी से जो है वो ख़त्म होने की तैयारी पर ही है। अशर अहमद तो जितनी अहमद में समझ सकते हैं, अशर अहमद में समझ में आज तो टाइम ही नहीं गुजर रहा था। अच्छा निहारी में सर, जो आज से पहले मैंने तेल में ये प्याज लाल कर ली है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अभी से मैंने सर तेल और प्याज ही डाली है, ठीक है। एक छोटी है तो दो, और बड़ी हो तो एक प्याज, ठीक है। ये यहाँ पे लाल हो रही है, ठीक है। ये लाल हो जाएगी तो इसके बाद ये निहारी का पैकेट है, साइड पर हो जाओ मानोर। अच्छा, एक पैकेट मैं शान का डालूंगी और एक मैं निहारी का लहसुन का पैकेट डालूंगी, ठीक है। इस तरीके से मैं निहारी बनाती हूँ, अपना तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, ये अदरक लहसुन है, ये हरा मसाला है, तो सॉरी हरी मिर्चें हैं, और ये लाल मिर्चें पीसी हुई, धनिया कूटा जीरा पीसा हुआ, इसी में मैंने नीचे वो डाल रखा है, गरम मसाला और हल्दी और नमक नहीं सॉरी से हल्दी। अच्छा, यहाँ पे मानू अपना अंडा बना रही है, और यहाँ मैं अपना पराठा सेक रही हूँ। यहाँ पर हमने सब चीज़ें डाल के उसको मिक्स कर लिया है, ठीक है। कोई सहरी का टाइम भी है और गैस जो है कल की चली गई थी 4:30 को, तो मैंने कहा मैं जल्द से जल्द इसको चढ़ा दूँ, ठीक है। सब चीज़ें डाल के इसको चढ़ा दिया मैंने, अभी थोड़ा स्लो स्लो पकता रहेगा तेल के अंदर, ठीक है। गैस फ्राई होता रहेगा जब तक मैं सहरी करके आऊँगी, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ठीक है। अभी हम इसे पानी में ही डाल दें, और ये अच्छे तरीके से सारे मसाले भून दें तेल के अंदर, ठीक है। बाकी जो आगे की निहारी कैसे बनी है वो सुबह मतलब उठने के बाद दोपहर में आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया तो हमें चढ़ा देती हूँ निहारी। The nihari will cook in sari and then in morning. Classes to bankar aaye the lekin sahi nahi bane. Isliye maine sari mein nihari chada di taki main dopahar mein bachche ke paas jaun, agar mujhe late ho jaye 4 baje hai to mera aadha kaam done hua hoga. Nashta karo, karna hai. Sari time. 2:30 p.m. in the nihari work in progress. Work in process. अच्छा, यहाँ पे मैंने अदरक हरी मिर्च और नींबू काट के रख लिया था, ठीक है। 5 बज गए थे तो मैंने कहा फटाफट में निहारी तैयार कर लूँ, क्योंकि जो है ना क्योंकि मुझे जो है ना वो निहारी भेजनी भी थी 2-3 जगह ना, थोड़ी ज़्यादा बनाई थी मैंने, इसलिए मैं जल्दी इसको आटा वाटा डाल के तैयार कर देती हूँ, ठीक है। डॉक्टर के पास से भी आ चुकी थी मैं, डॉक्टर के पास गई थी तो मैं मोबाइल घर पर ही भूल गई थी, तो उसके मैंने वहाँ पर फिर शूट नहीं कर पाई थी। अच्छा, ये आटा इस
तरह सेक लेंगे, घर का जो आटा होता है ना चक्की का आटा, उसी को मैं वो कर लेती हूँ, कुछ बेसन कुछ भी नहीं डालती। अच्छा, ये मेरी निहारी की फाइनल शक्ल है, और ये जो ऊपर का जितना तेल होता है ना वो मैं ये अलग कर लेती हूँ उसका तेल भी। ठीक है, अब मैं इसमें से सारा गोश्त भी अलग कर लूँगा, तो जितना भी गोश्त है ना ये मैं हरी भरी करके मैं ब्लेंडर ऑन कर करके ना चूल्हे ख़राब हो गए, तो चूल्हे को अगर तेज़ करो तो वो गैस सही से नहीं आती, आँच सही नहीं आती, तो फिर दस से दस रात सब करना पड़ता है। अच्छा, ये मेरा आटा डन हो गया, बस इतना आटा, ज़्यादा नहीं सेकना होना, पर नारी में अजीब सी स्मेल आती है, इतना सेकना है बस आपने इसको कि ये इसके अंदर से वो महक चली गई। ठीक है, आटा यहाँ पे दिखाऊंगी सही से आपको इसकी शक्ल में आती होगी। ठीक है, इतना कि बस हल्का हल्का, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना उसको, बिल्कुल लाइट लाइट से। ठीक है, अब बाकी मैं आपको दिखा रही थी कि मैं गोश्त सारा निकाल कर निकाल दूँगी एक एक करके। ठीक है, आटा जो है ना वो इस तरह आपने घोल लेना पूरा, अगर आटे में कोई लम्स ना बने, कोई गुटलियाँ ना बने। ठीक है, अगर आटे में कोई लम्स या कोई गुटली बनेगी तो फिर निहारी में मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, 10-15 मिनट तक आपने इस तरह करते रहना। ठीक है, यहाँ देखो मैंने निहारी में से सारा गोश्त निकाल लिया, तो निहारी भी कम हो गई है। ठीक है, गोश्त मैं इसलिए निकाल लेती हूँ कि फिर निहारी में जब आटा डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाती है, और फिर लोगों को भिजवाने में भी समझ नहीं पड़ती, बोटियाँ मिलती नहीं है निहारी से। तो ये मेरा तरीका ऐसे ही है कि मैं बोटियाँ अलग कर लेती हूँ, और जब मैं लोगों को निहारी भेजती हूँ तो उनमें से बोटियाँ सही सही डाल के उनको ऊपर से पूरी गार्निश करके फिर भिजवाती हूँ। ठीक है, इसे बाहर निहारी वालों की बोटियाँ अलग से रखी हुई होती है, ऐसे मैं भी वही तरीका यूज़ करती हूँ। देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निहारी का पानी है, अब इसमें हम आटा शामिल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अमूमन ये भी होता है कि मेरी बोटियाँ बहुत ज़्यादा गली हुई और नरम हो जाती है बिल्कुल बाहर की तरह, तो वो टूट ना जाए निहारी आटा डालने के बाद ना, इसलिए भी मैं निकाल लेती हूँ, एक रीज़न इसका ये भी है। ठीक है, अच्छा अभी आटा जो है वो मैंने इतना पतला लिया है, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट लेंगे तो वो निहारी में गट्टा गट्टा बन जाएगा। ठीक है, अब स्लोली स्लोली, ये नहीं कि सारा ही डाल देना, स्लोली स्लोली, पहले मैंने हाफ डाला और मैं इसे हिला के देख लूँगी कि मेरी निहारी कितनी गाढ़ी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल स्लोली स्लोली मैं शामिल करूँगी, मुझे नीड जहाँ मुझे मेरी नीड हो जाएगी ख़त्म ना, मैं यहाँ का रोक लूँ। ये देखो, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, चूल्हा इसका फ्लेम ऑन है निहारी का। ठीक है, ये मुझे निहारी के पतीला सेंटर में रख दो, कायरा पतीला मुझे सेंटर में रख दो इसको, नहीं सिलेंडर नहीं चल रहा। तो ये देखिए गाड़ी हो गई है निहारी, जहाँ तक मुझे नीड थी, थोड़ी पकेगी भी, थोड़ी पकने में भी गाड़ी हो गई है, इसलिए मैं अभी इसको थोड़ी पानी जैसी होती हूँ। अच्छा, अब देखिए निहारी में जब खूब खोल आ जाए ना इस तरह, ठीक है, क्योंकि वो खोल में ये आटा भी पक रहा है ना, निहारी में जब ये खूब खोल आ जाएगा तो हम थोड़ी इसको पकने देंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट बहुत बहुत, ऐसे तो 10 से 15 मिनट बहुत है। ठीक है, अभी खूब पक जाएगी तो फिर हम इसमें इसका चूल्हा बंद करने के बाद फिर हम इसमें इसकी ये तरी शामिल करेंगे, ये तो बिल्कुल बाहर की तरह निहारी होगी, और यहाँ मैंने तभी की तैयारी करनी है, तड़का लगेगा निहारी। ठीक है, फिर मैं किस तरह भर के लोगों को दूँगी इसका स्टेप भी दिखाऊंगी, ऐसा लगेगा बाहर की निहारी, आप प्रेजेंटेशन जो है ना उसकी ऐसे लगेगी जैसे बाहर की निहारी है। चलिए, अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, नमाज के बाद फिर मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी।
अच्छा तो यहाँ मेरी निहारी डन हो गई थी, नमाज़ पढ़ के नहीं आई। तड़के का मैंने चूल्हा ऑन कर लिया था, ठीक है, और प्याज मेरी लाल हो गई थी। अब मैं पहले इसमें तड़का डालूँगी, ठीक है। बाकी फिर प्रेजेंटेशन के वक्त मैं आपको बताऊँगी कैसे निहारी को प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर प्याज भी ऑलमोस्ट लाल हो गई है, ज़्यादा लाल नहीं करना, ब्लैक ब्लैक नहीं करना। बस ये प्याज हमारी यहाँ बन हो गई, ठीक है। अब हम इसको मैंने इसमें पहले निहारी भर ली थी, इसके बाद मैंने इसमें तेल डाला, ठीक है, जो बाउल अलग से निकाल के रखा था। फिर मैंने इसमें बोटियाँ डाल दी, ठीक है। फिर ऊपर से इसको पूरा डेकोरेट कर दिया, ठीक है। ये इस तरह निहारी एकदम बाहर जैसी लगती है, जैसे आप बाहर से निहारी, ये जहाँ मुझे निहारी भिजवानी थी फिर मैं वो घर वाली निहारी भिजवा रही हूँ, बाकी ये घर के लिए है, ठीक है। और यहाँ मेरी फूड चाट हमारी रेडी, और मैंने अपनी फूड चाट रख दी फ्रिज में ठंडी होने के लिए। और अभी अभी जो है वो दर्जा बिरयानी भी आ गया, अब बच्चों की अफ्तारी तो बहुत अच्छी मिल रही। और देखिए आज मैंने निहारी बनाई, अफ्तारी का मूड नहीं था बच्चों को खाने का, तो मैंने निहारी बना ली थी। तो माशाल्लाह बाहर से कितनी जगह से अफ्तारी आ गई, एक जगह से ये आ गया है और एक जगह से ये अफ्तारी आ गई, दाल चावल और ब्रेड। और जब हम खाएंगे तो देखेंगे कैसे हैं, और एक जगह से ये अफ्तारी आ गई, तो माशाल्लाह बहुत सारी अफ्तारी हो गई थी आज, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा हर चीज़ में। और बस अब रोज़ा खुलने वाला है, और बच्चे आज स्कूल गए थे तो बच्चों की हिम्मत ही नहीं है अभी तक, इस हफ्ते ऊपर आए नहीं है। कब से कह रही हूँ बच्चों को आ जाओ बेटा, और बच्चे आज बहुत थक गए थे आज स्कूल जाते थे। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद है कि आप सबको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, उम्मीद है आप लोग सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और इसी तरह आज का सातवां रोज़ा हम इफ्तार करेंगे, और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।